नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी बच्चे हरियाणा वाले, सभी बच्चे HSSC, जिन बच्चों का भी एग्जाम होने वाला है HSSC के अंदर, बेटा सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, MCQ सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है आप लोगों को। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपन स्टार्ट कर ली जाए बेटा, वीडियो की स्टार्ट कर ली जाए, MCQ सेशन की स्टार्ट कर ली जाए। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा वीडियो को। बेटा अपन स्टार्ट करने वाले आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन, जो कि HSSC के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए। जबरदस्त वीडियो बेटा, जबरदस्त वीडियो है, लगातार लगातार बने रहिएगा चैनल के साथ, लगातार बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है बेटा, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जब तक आपका HSSC का एग्जाम नहीं होता है, तब तक आपको डेली इंपॉर्टेंट MCQ सेशन के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पहुंचते रहे बेटा, जिससे आपको इजी हो जाए। नर्सिंग के साथ साथ हर क्लास मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध होगा बेटा। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन आप लोगों के सामने। अगर बात करके चले बेटा, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो बात की गई है उसको ध्यान से सुनना, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। अब आज समय आ गया बेटा, अब समय आ गया, अब सोने का समय नहीं है, अब कुछ करके दिखाने का समय, अब केवल एक महीना बचा आप लोगों के पास, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पढ़ना है, दिन रात एक कर देनी है। जब तक आप लोगों का HSSC के अंदर सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक सोना बंद कर दीजिएगा, सोना है तो एक या दो घंटा सोना बेटा, खाना खाते समय या बात कर जाए, यूरिन पास आउट करते समय, स्टूल पास आउट करते समय, हर टाइम आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, आप ही फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो बेटा, आप ही सब सेंटर के अंदर, PHC के अंदर, सब CHC के अंदर सेवाएं प्रदान कर सकते हो। अपन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन सेशन की आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एट रम एज, यदि बात कर ली जाए, क्वेश्चन पूछा गया बेटा नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड होता है ट्रम के ऊपर एट द टाइम ऑफ टर्म, उसका कलर कैसा होता है। ऑप्शन है आप लोगों के पास पेल स्ट्रॉ कलर, ऑप्शन बी है ग्रीनिश येलो कलर, ऑप्शन सी है डार्क ब्राउन कलर, ऑप्शन डी है बेटा गोल्डन कलर। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा बेटा आंसर के अंदर, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। अगर अपन बात करके चले, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, यदि बात करके चले एमनियोटिक फ्लूइड की, किसकी बात कर ली जाए, एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर ली जाए बेटा, ध्यान से समझिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड की अगर अपन बात करके चले, देखिएगा 12 वीक्स के ऊपर, 12 वीक्स के ऊपर कितना देखने को मिलता है, 50 ml होता है। अगर अपन बात कर ले जाए 16 वीक के ऊपर बेटा 200 ml, अगर बात करके चले 20 वीक्स के ऊपर 400 ml, अगर बात कर ले जाए 36 वीक 1000 ml होगा बेटा, अगर बात करके चले 37 to 42 वीक की बात कर ले जाए, इसको बोल सकते हैं ट्रम, क्या बोल सकते हैं बेटा ट्रम, तो तब होगा 600 to 800 ml। हमेशा याद रखना ट्रम के ऊपर जो एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट होती है कितनी होती है, 600 to 800 ml होती है। आफ्टर 42 वीक्स 42 सप्ताह के बाद जो वैल्यू होगी एमनियोटिक फ्लूइड की होगी बेटा 200 ml, जितना कि 16 वीक की जेस्टेशनल एज या प्रेगनेंसी के ऊपर देखने को मिल रहा था उतनी अमाउंट देखने को मिलती है 42 वीक्स के बाद। अगर अपन बात करके चले बेटा नेक्स्ट वन, यदि अपन बात कर ली जाए बेटा कलर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, यदि सैफ्रॉन कलर मिले बेटा, क्या मिले, सैफ्रॉन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का, या बोल सकते हैं ग्रीनिश कलर मिले, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यह इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को, पोस्ट मैच्योरिटी को, बच्चे के अंदर क्या बेटा जो मैच्योरिटी लेट आएगी। नेक्स्ट वन जब अपन बात कर जाए डार्क रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड का, तो यह इंडिकेट करेगा कंसील्ड हेमरेज, लंबे समय से क्या बनी हुई है बेटा, हेमरेज की कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही है लंबे समय से। नेक्स्ट वन अगर बात कर जाए ब्राइट रेड कलर बेटा, ब्राइट रेड कलर, तो यह इंडिकेट करता है रिवील्ड हेमरेज को, अभी अभी क्या हुई है, कोई इंजरी कंडीशन हुई है बेटा जिसके कारण ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वन जब अपन बात कर ले जाए डार्क ब्राउन कलर या बोल सकते हैं टोबैको कलर, कौन सी कंडीशन के अंदर बेटा, IUD इंट्रायूट्राइट डेथ के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात कर ले जाए गोल्डन कलर देखने को मिले, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो बेटा, गोल्डन कलर हो, तो यह इंडिकेट करता है RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को, किसको बेटा, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। अगर बात कर ली जाए ग्रीन कलर की, ग्रीन
कलर इंडिकेट करता है फीटस डिस्ट्रेस को। यदि बेटा फीटल डिस्ट्रेस होगा तो क्या होगा, फीटस के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। अगर हाइपोक्सिया होगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व जैसे स्टिमुलेट होगी तो एनआर स्पिंक्टर होगा लूज हो जाएगा, और एनआर स्पिंक्टर लूज होगा तो मिकोनियम पास आउट होगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, ग्रीन कलर देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का। अगर बात करके चले बेटा ग्रीन कलर के एमनियोटिक फ्लूइड किसके कारण देखने को मिलता है, अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन दोनों हो बेटा फीटल स्ट्रेच और मिकोनियम, तो आप कौन सा देना, फीटल स्ट्रेस। अगर फीटल स्ट्रेस होगा तभी क्या होगा, फीटल हाइपोक्सिया होगा, तभी होगा वेगस नर्व स्टिमुलेट, तभी एनआर स्फिंक्टर लूज होगा, और लास्ट वन क्या देखने को मिलेगा बेटा, ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन हमेशा याद रखना बेटा 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, 12 महीने की जो प्रेगनेंसी होगी, 12 महीने की जो प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर एमनियोटिक कलर, एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका कलर होता है कलरलेस। क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता। अगर अपन बात कर ली जाए बेटा 12 वीक्स के बाद, 12 वीक्स के बाद कैसा कलर होगा, पेल स्ट्रो कलर होगा, या अपन बोल सकते हैं लाइट येलो कलर होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, मिक्सअप हो जाता है लेनिंगो, क्या मिक्सअप हो जाता है बेटा, लेनिंगो मिक्सअप हो जाता है, या साथ के साथ बोल सकते हैं जो एपिडर्मिस सेल होती है फीटस की वो क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं अपना क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन है नॉर्मल कंडीशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ट्रम के ऊपर कैसा कलर होता है, अपन ने सारे कलर जाने तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन अपन रुक कर लेते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर बच्चे का बेनिफिट हो सके, इसलिए हर बच्चे का बेनिफिट हो सके, हर घर के अंदर, हर घर के अंदर, हर नर्सिंग ऑफिसर तक अपना वीडियो पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट टर्म द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट, बात की गई है बेटा जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होता है उसका वेट, उसका वेट है एट टर्म जब डिलीवरी होनी होती है बेटा, टर्म क्या होता है 37 to 42 weeks का जो जेस्टेशन एज होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन टर्म बोल से बेटा, उस दौरान प्लेसेंटा का वेट कितना होगा, प्लेसेंटा का वेट कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर बात कर लीजिए 23rd week ऑफ जेस्टेशन एज, जब 23 week की प्रेगनेंसी होती है, 23 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पर प्लेसेंटा और फीटस, प्लेसेंटा और फीटस दोनों का वेट सेम देखने को मिलता है, दोनों का वेट सेम देखने को मिलता है बेटा 500 ग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हमेशा याद रखना बेटा, यदि बात कर जाए प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा से सबसे पहला जो हार्मोन होगा, सबसे पहला जो हार्मोन होगा कौन सा सीक्रेट किया जाता है, तो हमेशा याद रखना HCG किया जाता है, कौन सा किया जाता है बेटा HCG किया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा बेटा 500 ग्राम अपना क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बना सकती है यह वीडियो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट वन अपन रुक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी पेरिमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा, कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है थिकेस्ट लेयर, कौन सी होती है यूट्रस की, टोटल लेयर कितनी होती है, तीन होती है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरिमेट्रियम आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस, मायोमेट्रियम इनर लेयर ऑफ द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, एंड एंडोमेट्रियम बेटा इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। जल्दी से बताइएगा ऑप्शन डी हो सकता है क्या, ऑप्शन डी हो सकता है क्या बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन डी हो सकता है क्या, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी। अगर बात करके चले बेटा, हमेशा याद रखना जो मायोमेट्रियम होती है, क्या होती है, जो मायोमेट्रियम होती है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, आउटर इनर एंड मिडल। जो मिडल मायोमेट्रियम होती है बेटा इसके अंदर फिगर ऑफ एट मसल फाइबर प्रेजेंट होती है। अगर अपन बात करके चले इसी से क्या गुजरती है बेटा, यूट्राइन आर्टरी गुजरती है, और यूट्राइन आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसको बेटा, यूट्रस को। अगर अपन बात कर ली जाए जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा फिगर ऑफ एट मसल के अंदर क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, यूट्राइन आर्टरी भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूट्रस के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होगी, और कम होगी तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लड
लॉस भी कम देखने को मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा पीपीएच, क्या सुना होगा बेटा पीपीएच, पीपीएच के अंदर एक कंडीशन होती है प्राइमरी पीपीएच, और प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनिक यूट्रस। यदि यूट्रस के अंदर टोनी प्रेजेंट नहीं है, क्या नहीं है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो क्या देखने को मिलेगा, फिगर ऑफ एट मसल फाइबर क्या नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो यूट्राइन आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर यूट्राइन आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी यूट्रस के अंदर, और जितनी ज्यादा ब्लड सप्लाई यूट्रस के अंदर होगी उतना ही ज्यादा ब्लड का लॉस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा लॉस ऑफ ब्लड होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है एटोनिक यूट्रस के अंदर, क्या बेटा एटोनिक कंडीशन के अंदर टोन प्रेजेंट नहीं है। अगर बात करके चले तो मोस्ट जो थिकेस्ट लेयर होती है कौन सी होती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो अपना राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी क्या रहेगा बेटा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर बात करके चले स्पिन मार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ, यदि बात करे जाए स्पिन मार्केट है अपीयरेंस, स्पिन मार्केट अपीयरेंस है किसके अंदर बेटा सर्वाइकल म्यूकस के अंदर, तो ये कैसा साइन होगा, किस कंडीशन को इंडिकेट करेगा, ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट करता है, ऑप्शन सी है मेंस्ट्रुएशन को बेटा, ऑप्शन बी है प्रेगनेंसी को, ऑप्शन डी है ओवुलेशन। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, आप लोगों का बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको फ्यूचर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता बेटा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा स्पिन मार्केट अपीयरेंस, अगर स्पिन मार्केट अपीयरेंस है सर्वाइकल म्यूकस के अंदर तो कैसा साइन होगा। हमेशा याद रखना जब भी ओव्यूलेशन होता है तो जो सर्वाइकल म्यूकस है कैसा हो जाता है बेटा थिक हो जाता है, कैसा हो जाता है थिक हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, अपने बाल कर ली जाए बेटा कैसा हो जाता है थिक हो जाता है स्पंजी हो जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पर, कब बेटा ओव्यूलेशन के टाइम पर यह अपीयरेंस देखने को मिलती है, ओव्यूलेशन के दौरान यह क्या देखने को मिलती है अपीयरेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, अगर बात कर ली जाए प्यूबर्टी फर्स्ट इवेंट प्यूबर्टी का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसका जो पहला इवेंट है सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, मीनार्की देखने को मिलती है, एब्डोमेन के अंदर पेन देखने को मिलता है, थैलार्की देखने को मिलती है, पीबार्की देखने को मिलती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आंसर दे बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर दे, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, कौन सा इवेंट देखने को मिलता है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा आप लोगों को सबसे पहले होगा थैलार्की, सबसे पहले होगा बेटा थैलार्की, एनलार्जमेंट ऑफ ए ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ ए ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का क्या साइज बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन होगा एड्रेनार्की, नेक्स्ट वन होगा एड्रेनार्की, एक्सिलरी हेयर ग्रो करना स्टार्ट होंगे, एक्सिलरी हेयर ग्रो करना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट वन बेटा प्यूबार्की, नेक्स्ट वन होगा प्यूबार्की, प्यूबार्की क्या होगा प्यूबिक हेयर ग्रो होना स्टार्ट होंगे बेटा। नेक्स्ट वन इंक्रीज हाइट, इंक्रीज हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी। और लास्ट वन अगर बात करी जाए मीनार्की होगा, लास्ट वन क्या होगा बेटा मीनार्की होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है मीनार्की बोला जाता है। अगर बात करी जाए फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस बोल सकते हैं या फर्स्ट इवेंट जो होगा प्यूबर्टी का बेबी गर्ल के अंदर वह होगा बेटा थैलार्की और लास्ट होगा मीनार्की। तो अपना राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बी क्या जाएगा बेटा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन यदि अपन रुक करके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम इज अबाउट, अगर बात कर ली जाए फुल्ली मैच्योर ओवम है ओवम का डायमीटर कितना होगा, ओवम का डायमीटर कितना होगा बेटा, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा आंसर दे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा आंसर दे बेटा। ऑप्शन ए है 100 माइक्रोन, ऑप्शन सी है 130 माइक्रोन, ऑप्शन बी है 90 माइक्रोन, ऑप्शन डी है 140 माइक्रोन। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें बेटा, आप लोगों का इंतजार है, आप लोगों का इंतजार है। ज्यादा से ज्यादा से शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें बेटा। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। अगर बात कर ली जाए बेटा स्पर्म की, स्पर्म के डायमीटर की बात कर ली जाए तो स्पर्म का होता है 56 माइक्रोन, 56 माइक्रोन होता है, हमेशा याद रखना। यदि लाइफ स्पेन की बात कर ली जाए, लाइफ स्पेन की बात कर ली जाए, स्पर्म का लाइफ स्पेन होता है 48 to 72 hours। अगर बात कर ली जाए ओवम का लाइफ स्पेन, ओवम का लाइफ स्पेन होता है बेटा, ओवम का लाइफ स्पेन होता है, हमेशा याद रखना है 12 to 24 hours होता है। तो जल्दी से बताइएगा
यहाँ पर सपम नहीं पूछा गया, यहाँ पर ओवम पूछा गया है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा। अगर अपन बात करके चले तो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, राइट आंसर रहने वाला बेटा ऑप्शन सी 130 माइक्रोन रहने वाला है। नेक्स्ट वन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। अगर अपन बात कर ली जाए फर्न टेस्ट इज यूज टू एसेस, जो फर्न टेस्ट अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं, फर्न टेस्ट यूज किया जाता है कौन सी कंडीशन को एसेस करने के लिए? ऑप्शन ए है प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है बेटा ओवुले, ऑप्शन डी है मेंसुरेशन। जल्दी से ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें बेटा आंसर का, क्वेश्चन का रिप्लाई करें, आंसर दे बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे। ऑप्शन ए प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी कैंसर सर्विक्स, ऑप्शन सी ओवुलेशन, ऑप्शन डी मेंसुरेशन। आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी फर्न टेस्ट कौन सी कंडीशन को एसेस करने के लिए करते हैं? हमेशा याद रखना आप लोगों को ओवुलेशन के अंदर करते हैं बेटा। किसके अंदर करते हैं? ओवुलेशन के कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? फर्न टेस्ट, फर्न टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चलें, नेक्स्ट वन है यदि बात कर जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज, जो एंडोमेट्रियम होते हैं इनर लेयर होती है यूट्रस की, इनर लेयर होती है यूट्रस की, उसे क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है आप लोगों के पास डेसिबाइटस, ऑप्शन बी है बेटा ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी है ग्रेविड एंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी है डेसिडुआ। जल्दी से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा बेटा, आप लोगों का इंतजार है। ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिएगा बेटा। बहुत अच्छे सभी बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं, बढ़ाई आप लोगों का बढ़ाई अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बेटा। जल्दी आप लोग क्या करोगे बेटा, सब सेंटर के अंदर, पीएचसी के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर सेवाएं प्रोवाइड कराओगे बेटा। भगवान से मैं यही आशा करूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के सभी क्या करें बेटा, पीएचसी सीएचसी सब सेंटर के अंदर अपनी सेवाएं दें। ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कीजिएगा, आंसर दीजिएगा बेटा। हमेशा याद रखना है जो एंडोमेट्रियम होता है प्रेगनेंसी के अंदर उसे बोला जाता है बेटा डेसिडुआ। क्या बोला जाता है? डेसिडुआ बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या रहने वाला अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन बेटा अपन रोक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म इज अबाउट, ऑप्शन ए 200 टू 300 ग्राम, ऑप्शन बी है 900 टू 1000 ग्राम, ऑप्शन सी है 2 टू 3 केजी, ऑप्शन डी है 400 टू 500 ग्राम। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा। यूट्रस का वेट पूछा है, यूट्रस का वेट पूछा है, कितना होता है यूट्रस का वेट? यूट्रस का वेट कितना होता है टर्म के ऊपर? जल्दी से जल्दी बताइएगा बेटा टर्म के ऊपर यूट्रस का वेट कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा बेटा। यूट्रस का वेट पूछा है ट्रम्प पे 37 टू 42 वीक्स के ऊपर जो यूट्रस होगा उसका वेट कितना होगा बेटा, कितना देखने को मिलता है? हमेशा याद रखना नॉन प्रेग्नेंट, अगर बात करके चले नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट होता है बेटा 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। अगर अपन बात करके चले, अगर अपने बात करके चले बेटा, अपन को पूछा गया है ट्रम्प के ऊपर जब डिलीवरी होने वाली हो 37 टू 42 वीक्स के ऊपर कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर दीजिएगा। ऑप्शन भी अपना क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। 900 टू 1000 ग्राम क्या रहेगा बेटा? नॉर्मल वेट रहेगा एट द टाइम ऑफ ए टर्म। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं बेटा। ओलिगोहाइड्रोमिनाज इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम का डिसऑर्डर होगा उसे ओलिगोहाइड्रोमिनाज बोला जाएगा। सेकंड वन है बेटा डिसऑर्डर ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि वेजाइनल ब्लीडिंग का कोई डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के दौरान उसे क्या बोला जाएगा? ओलिगोहाइड्रोमिनाज बोला जाएगा। ऑप्शन सी है बेटा डिसऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या एमनियोटिक फ्लूइड का डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के दौरान उसे ओलिगोहाइड्रोमिनाज बोला जाएगा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है आप लोगों के अनुसार? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन डी राइट रह सकता है क्या? ऑप्शन सी राइट रह सकता है क्या? ऑप्शन बी राइट रह सकता है, या ऑप्शन ए राइट रह सकता है? एक तो मिलेगा, चारों में से एक तो मिलेगा। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे
आंसर दीजिएगा। अपन बात कर ले जाए ओलिगोहाइड्रोमिनाज क्या होगा बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड होगा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोमिनाज बोलेंगे। अगर ज्यादा हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड की ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनाज। तो अपन बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं बेटा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए सी है, वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। किस चीज का डिसऑर्डर है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोमिनोज बोलेंगे बेटा। नेक्स्ट वन, आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं, आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आप सभी लोगों का सहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद।